हेलो एवरीवन, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे सभी को। और मैंने आपको जो ये सब्जियां फ्रूट वगैरह लेके आए थे वो दिखाए थे। आप सोच रहे होंगे दीदी इतना हाफ क्यों रही हैं, तो मैंने गेहूं बनाए थे ना, तो उसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती है और मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई थी। मतलब मेरा जो पहला चैनल था तो वो डिलीट हो गया है, तो उसके डिलीट होने के बाद मेरे सारे रिपोर्ट वगैरह यानी कि सारा चेकअप हुआ था बॉडी का, तो उसमें तो सारा नॉर्मल आया था, लेकिन ये है, ये एक एलर्जी है जो अगर किसी को लग जाए तो शायद ही जा सकती है, लेकिन मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अभी देखिए, अभी मुझे बात करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा थोड़ी जैसे जैसे देर होती जाएगी मुझे आराम मिलता जाएगा। और मुझे उन्होंने इन्हेलर वगैरह दिए थे, देखिए ये रखे हुए हैं, दिखाती हूँ आपको इन्हेलर वगैरह। और हाँ, मैं अभी नहा के आ चुकी हूँ और काम मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, तो काम अभी मैं अपना करूँगी। सबसे पहले मैं नहाई हूँ क्योंकि फिर पूजा के लिए बहुत देर हो जाती है और पूजा के लिए देर होना मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो पहले मैं नहाई हूँ, उसके बाद पोछा वगैरह जो भी सारा काम है वो करूँगी। क्योंकि देखिए, अभी मैंने दिखाया था ना इससे पहले, बेड पे ये पड़ा हुआ है, सारा कुछ पड़ा हुआ है, बस उतने एरिया में पोछा लगा के ठाकुर जी वाले में, और फिर मैं अपना पूजा करके उसके बाद में सारा काम करूँगी। देखिए ये इन्हेलर है जो उन्होंने दिया था, और बहुत सारे मेडिसिंस हैं जो मुझे लेने हैं, तो इसके साथ जो ये कैप्सूल होते हैं वो हैं। तो देखिए अब जो भी दिक्कत है वो सही होती है या नहीं होती, लेकिन ट्रीटमेंट तो चल रहा है। और ये जो रिपोर्ट्स हैं देखिए, ये रखी हुई है, 17 चेकअप हुए थे तो सारे ही चेकअप नॉर्मल आए थे। तो ये देखिए, मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी, तो ये मैंने इसके ऊपर रख दिया है जैसे कि बच्चों के हाथ नहीं पड़े। तो चलिए बस मैं अब अपनी पूजा कर लेती हूँ और ले लेती हूँ अपनी राधे राधे, जो कि मेरे हर सूट पे मैच होती है, और ये राधे राधे मुझे बहुत पसंद है। तो बस मैं अभी पूजा कर लेती हूँ और आज बनाऊँगी लौकी आलू की सब सॉरी लौकी और चने की दाल की सब्जी। तो फ्रेंड्स, पूजा तो मैंने कर ली है और अब मैं सोच रही हूँ पहले लौकी काट के रख देती हूँ और फिर लौकी काटने के बाद सब्जी को छौंक दूँगी और मेरी सब्जी भी बनती रहेगी, और इतने में मैं अपना कर लूँगी काम। और शिव के पापा लाए हैं कुछ सामान, क्या क्या लाए हो देखती हूँ। ये देखिए, अभी मार्केट गए थे तो कुछ सामान लेके आए हैं, तो देखिए मैं, ये है प्याज, ये है चने, और ये है मैदा, सूजी, आपको भी दिखाऊंगी, अभी निकाल रही हूँ सारा सामान। ये दो में क्या है, ये दोनों में मैदा है, अच्छा, और इसमें ये अस्तल मंगाई थी मैंने, वो जो आपको पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था ना ब्लाउज पीस, तो उसके लिए मैंने अस्तल मंगाए हैं, तो अस्तल लेके आए। तो बस अभी मैं अपनी सब्जी को काट के और छौंक देती हूँ और आपको दिखाती हूँ सामान सारा बैक कैमरे से। तो देखिए, ये दोनों में मैदा, ये सूजी, ये चने, इसमें है प्याज जो कि दिख नहीं रही है, ये देखिए थोड़ी सी दिख गई, और ये इतनी बड़ी बड़ी लौकी है, तो हमारे लिए बहुत है क्योंकि शाम को कुछ और बनाएंगे। और ये मैंने जो चने गलाए थे दाल तो वो है। तो बस चलिए लगते हैं अपने कामों में। लौकी की सब्जी बनाने के लिए मैंने सुबह जगते ही
चने की दाल को भिगो दिया था। और यहाँ मैं जो ये राशन था उसे डिब्बे में रख रही थी, क्योंकि स्लिप पे ये रखा हुआ था, तो फैली हुई स्लिप मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो पहले मैं स्लिप को साफ़ करती हूँ, उसके बाद मैं कुछ काम करती हूँ। तो यहाँ स्लिप को साफ़ करने के बाद मैं अपने लौकी को काट लूँगी और सब्ज़ी छौंकने की तैयारी करूँगी। और सुबह बनाए थे मैंने गेहूँ, तो गेहूँ बनवाने में मेरी हेल्प की थी शिव के पापा ने, तो वो छानते गए थे और मैं फटकती गई थी। तो जब मैंने गेहूँ बनाए थे तो मैंने मास्क लगा लिया था, फिर भी ये दिक्कत मुझे हो ही जाती है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो मुझे आराम मिलता जाता है। और सब्ज़ी छौंकने के लिए मैं मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करती हूँ, तो मैंने यहाँ हींग जीरा डाल दिया है और मैं सब्ज़ी को छौंक दूँगी। और मैं लहसुन प्याज का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ठाकुर जी का भी भोग लग जाएगा। तो यहाँ मैं अपनी बिल्कुल सिंपल तरीके से सब्ज़ी बना रही हूँ, तो इस तरीके से बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ शिव के पापा गए हैं बच्चों को लेने, क्योंकि 11:30 का टाइम हो रहा है इस टाइम, तो वो अभी बच्चों को लेके आ जाएंगे। और ये वीडियो मेरा होलिका दहन से एक दिन पहले का है, तो मैं अभी आपसे शेयर कर रही हूँ इस वीडियो को। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर किया करें और एक लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन भी दबाया करें। हाँ बेटा आ गए। मुझे पता था, मैं पापा से कह रही थी होली खेल के आए हम, होली खेल के आएंगे जरूर। तो बच्चे तो होली खेले आए, दिखा दिए दिखा दिए क्या आए हैं, हमें पता था। मैं तो यूँ सोच रही थी साइट वगैरह तो बच गई, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। भूत बन गए हैं, भूत बन गए हैं। तू अपना बैग तो उतार दे। तो सब्जी मैंने छौंक दी है, बस अब बच्चों को देखती हूँ पहले। और ये देखिए मेरी सब्जी बन चुकी है, और जितनी देर में मेरी सब्जी बनी है उतनी देर में मैंने अपना घर का जो भी सारा काम था वो मैंने फिनिश कर लिया है, जैसे कि पोंछा लगाना, डस्टिंग करना और भी बहुत से काम थे जो मेरे सारे फिनिश हो चुके हैं। इसीलिए मैंने सब्जी को छौंक दिया था कि मेरी सब्जी भी बनती रहेगी और मेरा काम भी होता रहेगा। देखिए पोंछा मैं दिखाती हूँ, अभी थोड़ा गीला है, देखिए अभी भी बिल्कुल जस्ट मैंने अभी लगाया है पोंछा। और यहाँ बच्चे पूरा होली में खेल कर आए थे गुलाल से, तो उनकी शर्ट वगैरह भी गंदी हो गई थी, तो कनिष्का तो आकर नहाई है। और ये देखिए शिव ने दोबारा से जो क्लोथ है वो गिरा दिए हैं, और देखिए ये अभी नहा के आई है दोबारा, क्योंकि इसको बिल्कुल भी किचकिच जैसा बर्दाश्त नहीं होता है। तो यहाँ देखिए ये पूरा साफ़ सफाई हो चुकी है घर की। और ये बाहर वाला रूम है, और ये देखिए फिर से आ गए हम किचन में हैं, और ये भी रूम पूरा साफ़ हो चुका है। और यहाँ जो ये ब्लाउज़ रखा है ये मैंने कटिंग की थी, दिखाया था आपको, तो ये जो तीनों ब्लाउज़ हैं सिल जाएंगे, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो आप ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो, और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर किया करें। और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मेरी नई नई वीडियोज़ आप देख सकें। और बेल आइकन पर ज़रूर सेट कीजिएगा जिससे कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।